दोस्तों, सनी देओल ने कर दी है अपनी नई फिल्म की शुरुआत। जी हाँ दोस्तों, इस नई फिल्म का नाम सफर होने वाला है। फिलहाल ये वर्किंग टाइटल है और फिल्म पूरा होने पर फिल्म का नाम चेंज भी किया जा सकता है। आपको बता दें, यह फिल्म मराठी फिल्म मेकर शशांक उदयपुरकर के निर्देशन में बनाई जा रही है, जिन्होंने कई बॉलीवुड फिल्म का निर्देशन भी किया है, जैसे बदलापुर बॉयज, अन्ना इत्यादि। साथ ही आपको बता दें कि उन्हें मराठी फिल्म प्रवास में कई अवार्ड से भी पुरस्कृत किया गया है। आपको बता दें, इस फिल्म में सनी देओल के साथ रहते नजर आएंगे एक्ट्रेस सिमरन बग्गा। ये वही एक्ट्रेस है जो तमिल, तेलुगू, मलयालम, कन्नड़ा, हिंदी सभी सिनेमा में समान रूप से काम कर चुकी है। हिंदी में तेरे मेरे सपने जैसी फिल्म में से वो अपने कैरियर की शुरुआत की थी। साथ ही उन्हें अब टाइगर 3 में भी देख चुके होंगे, जो पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर का रोल करते दिखी थी। वैसे तो इस पहले शॉट से हम सनी और सिमरन को किसी हॉस्पिटल का सीन देख सकते हैं, जिसमें सनी हॉस्पिटल में एडमिट हुए और सिमरन शायद उनका हालचाल पूछने आई। जानकारी के लिए आपको बता दें दोस्तों कि ये सोशल मैसेज देने वाली फिल्म है और ये एक सामाजिक फिल्म होने वाली, ना कि गदर 2 जैसी कोई एक्शन फिल्म। अभी तक इस फिल्म का जिक्र ना ही कोई एक्टर या डायरेक्टर ने किया है और ना ही अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई इस फिल्म के बारे कुछ शेयर किया है। आपको बता दें कि सनी की झोली में अभी कई फिल्में हैं जिनकी शूटिंग वो एक के बाद एक करने वाले हैं और उम्मीद करते हैं कि उनकी सभी फिल्में दर्शकों को पसंद आए और उनका दौर पहले की तरह वापस आ जाए, क्योंकि अभी भी उनके कई ऐसे फैंस हैं जो उनका फिल्मों का बेसब्री से इंतजार करते हैं।